गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज कल जो क्वेश्चन आंसर कराया गया था उसका रेस्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो आज हम लोगों को कराऊंगा, उसको तुम लोग अपने कॉपी में नोट करोगे। चलिए आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट इज रोटेशन। रोटेशन क्या है, व्हाट इज रोटेशन, रोटेशन क्या है, इसका आंसर लिखेंगे। Earth moves on an imaginary line or axis this of the earth on its axis is called rotation. What is rotation? Earth moves on an imaginary line और एक्सिस, इमेजिनरी लाइन बोलो या एक्सिस बोलो। दिस मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये जो इस एक्सिस पर जो मोमेंट होता है पृथ्वी का उसी को हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है, वंस अगेन, व्हाट इज रोटेशन, रोटेशन क्या है। अर्थ मूव्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन और एक्सिस, दिस मोमेंट ऑफ अर्थ On its axis is called rotation. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is revolution? What is revolution? Revolution क्या है, द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। द मोमेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो मूवमेंट है
अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ इन ए फिक्स्ड पाथ, इस चीज को याद रखना है, उसी को हम रिवोल्यूशन कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का जो जिस ऑर्बिट से वो मूवमेंट करता है उसी को रिवोल्यूशन कहते हैं। ये दो क्वेश्चन है। पहला नंबर है व्हाट इज रोटेशन, अर्थ मूव्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन और एक्सिस, दिस मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। व्हाट इज रिवोल्यूशन, द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। यही दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन तुमको घुमा कर भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन में क्या अंतर है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों चीज को आप याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए।
चलिए लास्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए बुक से एक्स्ट्रा दे रहा हूं जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन नहीं है व्हाट इज ए ड्रॉप प्लैनेट प्लूटो विच वाज अर्लियर सोलर सिस्टम इज नाउ कॉल्ड ए डॉट प्लैनेट ये जो क्वेश्चन है डॉट प्लैनेट क्या है किसे कहते हैं कौन सा है तो प्लूटो विच वाज अर्लियर इंक्लूडेड इन द सोलर सिस्टम प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जो पहले सोलर सिस्टम में शामिल था लेकिन अब नहीं है इंक्लूडेड इन द सोलर सिस्टम अर्लियर पहले इन नाउ कॉल्ड ड्रॉप प्लैनेट जिसे हम ड्रॉप प्लैनेट कहते हैं इट इज आउट ऑफ इन दैट ग्रुप ये अभी जो है उस ग्रुप से बाहर है ठीक है ये ड्रॉप प्लैनेट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर सोलर सिस्टम राइट देयर नेम्स राइट देयर नेम्स देयर आर एट planet in solar system they are Mercury Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Earth. ये दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है व्हाट इज अ ड्रॉप प्लैनेट क्या है तो प्लूटो विच वाज अर्लियर इंक्लूडेड इन द सोलर सिस्टम ये एक ऐसा ग्रह है जो
सोलर सिस्टम में शामिल था इज नाउ कॉल्ड ड्रॉप प्लैनेट, इसे आप बोलो ड्रॉप प्लैनेट कहते हैं। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम राइट देयर नेम, उनका नाम बताना है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, दे आर मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड अर्थ। तो ये जो आज मैंने चार क्वेश्चन लिखाया, इस चारों क्वेश्चन को आप लोगों को याद करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर कल हम लोग क्लास में ऑनलाइन मिलेंगे, फिर नेक्स्ट जो सब विषय है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं, बाय।